बताएं ओआईसी में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की सीईओ हैप्पी लेक और सरपरस्त आला अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का से फैसलाबाद में अहम मुलाकात हुई इस मौका पर ओआईसी की जानब से लाहौर में होने वाले तजारती मेले के हवाले से तबादला ख्याल किया गया इस हवाले से बात करेंगे हाशिर बड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया है हाशिर अपडेट कीजिएगा जी बिल्कुल ओ आई सी में पाकिस्तान के सफ़िर रजवान से शेख साहब ने शहीद रजा साहब से खूसी मुलाकात की और इस मुलाकात में क्या फैसले हुए रजवान साहब से जानते हैं तो सर बताइएगा बड़ी अहम मीटिंग थी तो इसमें क्या फैसले किए गए हैं और किन मामला पर गुफ्तु हुई है जी मैं आज फैसलाबाद में फैसलाबाद चैम्बर से मिलने के लिए हाज़िर हुआ था तो शाहिद साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने यहाँ आने की दावत दी असल में जो गुजारिश इनसे थी वो ये थी कि ओ आई सी का जो ट्रेड फेयर है तजारती मेला है अठारहवें ओ आई सी ट्रेड फेयर वो इस साल पाकिस्तान में होगा जिस तरह उजरा ख़ारजा का अजलास हुआ है तो उसके फ़ैसलों में से एक फैसला ये भी है कि ओ आई सी का जो ट्रेड फेयर है पाकिस्तान में हमें कराना है तो ख्वाह साहब क्योंकि पाकिस्तान के चंद न सिर्फ नुमाया ताजरों में से हैं बल्कि जो मरकज़ी अंदुमन ताजरान है पाकिस्तान की उसके रूह रवा भी हैं तो इस सिलसिले में इनसे ये मुलाकात थी कि हम मिल बैठ कर इनके मशवरे से इनकी सलाह से क्योंकि इनका इतना तजर्बा है इन्होंने माशाल्लाह बताया कि करीबन 40 साल से ज़ायदा से ये इस काम में हैं और फलाही कामों में भी हैं तो इनके मशवरे से इनकी सलाह से और इनकी रहनुमाई से हमारी कोशिश होगी कि हम मिलजुल कर जो आने वाला ट्रेड फेयर है उसको भी कामयाब बना सकें जी बिल्कुल तजारती मेला जो वो आई के जरिए तहत पाकिस्तान में होगा उसको कामयाब बनाने के वाले से मीटिंग हुई है सिका साहब में मौजूद है तो सिका साहब बताएगा जिस तरह उन्होंने कहा कि आपसे रहनमाई ली है तो आप इसमें किस तरह इनकी रहनमाई की और क्या आप अहमियत देते हैं बसमन रही मैं अभी चंद दिन पहले उम्र पर गया हुआ था तो वहाँ हमारे दोस्त शफी काशफ साहब की तान से हम पाकिस्तान अम्बेसी में गए और वहाँ पर उन्होंने वाम वेलकम किया जो हैं और कौंसलेट जो हैं खालिद साहब क्योंकि रिजवान साहब पाकिस्तान आए हुए थे तो इनसे इन, इन वादा हो गया कि इन्होंने दिया कि आपने आना है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी मीटिंग हो रही है इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इन शाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तजारती तलक्र उनको इनशा फ़रोग मिलेगा और पाकिस्तान से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो वो मुल्क में एक जो है वाइट मनी आनी है और इन उससे हमारे मुल्क में एक जो है हमारे मुश्किल हैं वो दूर होंगी और ट्रेड फेयर के हवाले से इन्होंने जो बताया है कि ये इनशा नवम्बर या अक्टूबर में करेंगे लाहौर जिसमें सावन ममालिक के आईओसी के जो हैं लोग आएँगे इनशा तल हम उसमें इनको वाम वेलकम करेंगे और इशल्ल त अपना स्टॉल भी लगाएंगे और लोगों से भी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें जी बिल्कुल इनका यही कहना है कि ओ आई सी के, के जरिए तहत तो पाकिस्तान में होने वाला जो मेला है तजारती मेला उसमें ये भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे उसके साथ दूसरे जो कारोबारी हजरात हैं उनसे भी यही अपील करेंगे कि वो इसमें ज़रूर इस तरह के तजारती मेले मीशत के लिए बेहतरीन है। हाशिर अपडेट कर रहे थे शुक्रिया आपका